नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 17 से 20 नवंबर तक के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। आठवीं राशि लेते हैं, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। 17 नवंबर के दिन वृश्चिक राशि, आपको काफी सावधान और नियंत्रित रहना होगा। नियंत्रित इसलिए कि आपके मुंह से कुछ ऐसा ना निकले जो आपके खिलाफ यूज हो सके, और सावधान इसलिए कि लोग आपको धोखा दे सकते हैं या आपका फायदा इस कदर उठा सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएं। 17 नवंबर के दिन बनी बनाई योजना औंधे मुंह गिर सकती है। 17 नवंबर के दिन चल रहे कार्य में व्यवधान आने के बहुत ज्यादा संकेत हैं। 17 नवंबर के दिन आपके कार्य में प्रगति ना हो इस बात के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि 17 तारीख को अगर आप धैर्य और संयम रखते हैं और चीजों को टल जाने देते हैं, हो जाने देते हैं, तो कई सारी चीजें आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। एक बात का भी ध्यान रखिएगा कि 17 तारीख को कोई बड़ा डिसीजन ना लें, लीगल कार्य ना करें, किसी व्यक्ति की सलाह ना तो माने ना किसी को सलाह दें। 18 नवंबर के दिन आप अपनी समस्याओं से निकलने की प्रक्रिया में होंगे, लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले उस समस्या को हाथ में लें जो सबसे बड़ी और सबसे भयानक हो, यानी कि जो समस्या आपको ज्यादा डराती हो उससे ही निकलने का प्रयास पहले करें, उससे निकलने का मार्ग ढूंढना शुरू करें, बाकी समस्याओं को पीछे छोड़ दें। जब आप बड़ी समस्या को हाथ में लेंगे तो शुरुआत में आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम रहेगा और आप डर जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा यानी दिन का टाइम बीतना शुरू होगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इस समस्या से निकलने का मार्ग भी है और उस मार्ग पर चल करके आप अपनी समस्या को हैंडल कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप अपनी समस्या से निकलने का मार्ग प्राप्त कर लें तो इसे किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर ना करें, क्योंकि शेयर करने से चीजें हल्की हो जाएंगी और आपकी समस्या यथावत रह जाएगी। 18 तारीख को स्वास्थ्य लाभ के भी संकेत हैं। परिवार के बुजुर्ग सदस्य के स्वास्थ्य में भी सुधार होने के अच्छे संकेत हैं। एक बात का और ध्यान रखें कि अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप को जो पहले खत्म हो गया था या नष्ट हो गया था, आप उसे फिर से रीगेन करना चाहते हैं, तो 18 तारीख उसके लिए सही दिन रहेगा। 19 नवंबर के दिन आपको संतुलन स्थापित करना होगा और ज्यादा। आप अपने जीवन में पर्सनली, प्रोफेशनली और व्यक्तिगत रूप से कई बार असंतुलन की प्रक्रिया में चले जाते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ तीनों मिक्सअप हो जाती है, तो इसमें सेग्रीगेशन करने के लिए 19 तारीख को इस्तेमाल करें, संतुलन को सही रखने का प्रयास करें। अपनी वाणी पर भी इस दिन नियंत्रण रखना आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा, और जितना ज़्यादा संतुलित व्यवहार आप रखेंगे, नई नई चीज़ों से उतना ज़्यादा रूबरू होंगे और लोगों के व्यवहार को उतना ज़्यादा समझने में सफल रहेंगे। 20 नवंबर के दिन कुछ नया करके दिखाने की लालसा आपके मन में बनी रहेगी, लेकिन साथ ही साथ 20 नवंबर को आप अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएंगे जहां नए विचार आपको हिट कर रहे हैं और इस बारे में प्रेरित कर रहे हैं कि आप न सिर्फ आगे बढ़ें बल्कि आगे बढ़कर अपनी योजना को अंजाम देना शुरू करें। लेकिन यहां आपको रुकना चाहिए और अपनी योजना को परिपक्व करना चाहिए। जब तक योजना पूरी तरह से तैयार ना हो उस पर काम ना करें। कुछ मामलों में अनिर्णय की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपके आक्रामक व्यवहार की वजह से लोग आपसे घबरा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे और अपने इस आक्रामक व्यवहार को अपने पैशन में परिवर्तित करेंगे, अपने जोश में परिवर्तित करेंगे, तो चीजों में सफलता जल्दी प्राप्त कर लेंगे। इन चारों दिनों में से प्रेम संबंधों के लिए 17, 18 और 20 तारीख बढ़िया नहीं है, 19 तारीख अच्छी है। वैवाहिक जीवन के लिए 17 तारीख अच्छी नहीं है, 18, 19, 20 सामान्य है। वैवाहिक जीवन के लिए 17 तारीख अच्छी नहीं है, 18, 19, 20 सामान्य है। और व्यापार की दृष्टि से देखें तो केवल 19 तारीख और 20 तारीख बढ़िया है, 17 और 18 अच्छी नहीं है। तो दोस्तों, यह था दैनिक राशिफल 17 से 20 नवंबर के लिए। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपने सुझाव, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।